हैं कि जेल के अंदर जाने के बाद अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राज कुंद्रा के साथ उल्टा ही हो रहा है। राज कुंद्रा जेल के अंदर था 2 महीने तक, अश्लील वीडियोज बनाकर अपलोड करने के जुर्म में उसे जेल भेजा गया था, और जब वो जेल से बाहर आया है तो वो एक गंभीर बीमारी का शिकार हो चुका है। दोस्तों इसके अलग हम देखें तो इसके बीमारी से उसकी बीवी शिल्पा शेट्टी को कोई खासा असर नहीं पड़ा है। परिवार बच्चे समेत शिल्पा कुंद्रा का घर छोड़ अपनी माँ के घर रहने चली गई हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर राज कुंद्रा कौन सी ऐसी गंभीर बीमारी का शिकार हुआ है जिसकी वजह से अब ऐसा लग रहा है कि अगर इस बीमारी का जल्द से जल्द इलाज नहीं कराया गया तो राज कुंद्रा को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, किसी भी शख्स के लिए उसके परिवार से दूर जाना नॉर्मल नहीं होता। इस वक्त राज कुंद्रा के पास ना ही पैसा है और ना ही पॉपुलैरिटी, परिवार भी छोड़कर जा चुका है, और इसी सोच में इस वक्त राज कुंद्रा डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। जैसे ही जेल से बाहर आया राज कुंद्रा, जब उसने अपना रेगुलर चेकअप करवाया, इस चेकअप के दौरान डिप्रेशन निकल कर सामने आया है। आपको बता दें कि राज कुंद्रा जेल के अंदर ना ठीक से खाता था, ना पीता था और ना ही सोता था, और इस बात का खुलासा खुद पुलिस वालों ने किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डिप्रेशन का शिकार राज कुंद्रा हो चुका है, और इस बात की खबर चारों तरफ मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। पर इसके बावजूद अभी तक शिल्पा शेट्टी का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, जिसे देखकर यह साफ होता है कि शिल्पा शेट्टी को राज कुंद्रा से और उसकी बीमारी से कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि राज कुंद्रा को सचमुच उसके गुनाहों की कुछ ज्यादा ही बड़ी सजा मिल गई है? कॉमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।